स्वागत है आपका लाइव विद प्रेजेंट चैनल पर। कैसे हम सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हेलो। तो भाई गाइस देखिए, कल है रक्षाबंधन और नितेश तैयारी कर ली। तुमने सबको क्या क्या गिफ्ट देगा उसकी? कटोरा दे दिया नितेश, क्या नितेश के हाथ में कटोरा दे दिया। नहीं ऐसी भी हालत चाहिए। वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो गाइस कल है रक्षाबंधन और जैसा कि आपने, आपको पता ही होगा, मम्मी 2 दिन गई थी शॉपिंग करने रक्षाबंधन की। मेन तो रक्षाबंधन की शॉपिंग करने गई थी मम्मी 2 दिन, क्योंकि पहले दिन ले आए थे सामान, फिर कुछ रह गया था तो फिर वो उसको 2-3 दिन बाद लेने गई मम्मी दोबारा। सो नहीं पता, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मम्मी गई थी शॉपिंग करने के लिए। तो अभी पहले ही हम आपको है ना सारा सामान दिखा रहे हैं कि मतलब नितेश किसको क्या दे रहा है, ठीक है? क्योंकि कल है ना हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि कल है ना, देखो गाइस काम तो हो ही जाते हैं। सुबह उठेंगे, जल्दी उठेंगे, सारे घर का काम करेंगे, झाड़ू पोछा ये वो। हाँ तो गाइस कल हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला था, क्योंकि कल सारे घर का काम हो जाता और फिर जल्दी जल्दी में, क्योंकि कल मामा जी के घर पे भी जाएंगे। तो कल आपको ये सारा सामान तो हम नहीं दिखा पाते, तो हमने सोचा कि ना, क्योंकि अच्छा आप चुप रहो, ये बीच में नहीं जाए खिचड़ी पका देता है। अरे क्या ना टिकरी मारे। तो चलिए अभी मतलब मम्मी तो ले रखी है अनवी को, अनवी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। तो मम्मी तो अभी अनवी को ले रखी है। जैसा आप बैकग्राउंड में सुन ही रहे होगे उसकी रोने की आवाज़, वो रो नहीं रही होती है, वो है ना अपना मतलब अंदर की भाव व्यक्त करती है ऐसे। रोती नहीं है वो, बस ऐसे चिल्लाती है, बस उसको मन करता है तो ऐसे चिल्ला पड़ती है वो ऐसे। हाँ ये मत मानना, वो रोती होती है। हाँ अनवी को बस अटेंशन चाहिए होती है कि सारे मेरे ऊपर देखो, मेरे पे ध्यान दो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं है ना जरा आपको दिखा देती हूँ कि किसको क्या गिफ्ट दे रहे हैं हम, ठीक है? हम नहीं मतलब नितेश क्या देगा, ठीक है? तो चलिए एक बार दिखा देती हूँ ट्राईपोर्ड पे, एक बार इसको सेट कर देती हूँ मैं अच्छे से, ताकि फिर बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। ओके हेलो गाइस, कहा था स्टार्टिंग में, कहा था मैंने मुश्तिना को लिपल मुश्तिना को ली। हाँ तो गाइस बहुत सारे डिस्टरबेंस के बाद अब हम फाइनली वीडियो शूट करने वाले हैं। हो गया सभी का? ये कोई बीच में तो नहीं बोल रहा अनवी का, तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो अनवी चुप हो, तो सबसे पहला सब छोटी तो स्टार्ट करते हैं भाभी से कि भाभी को हम क्या दे रहे हैं। नहीं अनविका सबसे आखिरी में दिखाएंगे, अनविका गिफ्ट सबसे इंटरेस्टिंग है भाई। देखो अनविका हम गिफ्ट आपको सबसे आखिरी में दिखाएंगे, तो आखिरी तक देखना एक बार इसको, बिल्कुल ध्यान तो देखिए। बहुत सोच समझ के, बहुत ज्यादा सोच समझने के बाद नितेश मम्मी ने बहुत ज्यादा डिस्कशन करने के बाद सोचा कि हम इसको ये देंगे। मतलब बहुत यूजफुल चीज है अनवी की, उसके बिना अनवी का काम नहीं होगा। तो चलो पहले स्टार्टिंग करते हैं भाभी से ही। तो देखो गाइस एक तो मम्मी दे रही है उसको ये ज्योमेट्री बॉक्स, देखो ओके ऐसे इस पे देखो ऐसे ये यूनिकॉर्न सा छिपा हुआ है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, शायद यही बोलते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो ये मत कहना, मेरे मेरे ख्याल में तो यही बोलते हैं इसको। और यहाँ पे एक ऐसे कैलकुलेटर लगा हुआ है, छोटी बच्ची है ना तो उसको थोड़ा मतलब हेल्प हो जाएगी मैथ के सवाल सॉल्व करने में। और यहाँ पे जैसे शार्पनर वगैरह का सिस्टम है यहाँ पे, और अंदर स्पेस है मतलब ऐसे, ठीक है? तो इसे खोल के नहीं दिखा रहे, जैसे पैक रहने देते हैं। तो आप समझ गए होगे ऐसी ये ऐसी सी किट, एक तो ज्योमेट्री बॉक्स है अनवी के ओ भाभी के लिए, कन्फ्यूज होगी मैं अनवी और भाभी में, ठीक है? तो एक तो ये है ओके, और एक मैं आपको दिखाती हूँ ये लेके आए हैं, ये है स्लेट। वो गाइस आपने देखी होगी ना, एक 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 साइड से तो ये व्हाइट होती है और एक साइड से ये ब्लैक बोर्ड बन जाता है, मतलब पीछे तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है पर आप समझ जाओ, एक साइड से व्हाइट है और एक साइड से इस पर चौक से लिखा जा सकता है। तो एक तो ये स्लेट लेके आई है मम्मी मतलब भाभी के काम के लिए, कि जैसे अगर मतलब कुछ भी मैथ के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना है तो 2+2 पूरी टीचर वाली फीलिंग ले ले भाभी, ताकि अनवी को इग्नोर करो वो सो रही है। तो एक तो ये लेके आई है, और इसके साथ मम्मी लेके आई है इसके लिए एक मार्कर इस साइड के लिए, ताकि भाभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक ये मम्मी लेके आई है चौक का बॉक्स, इस साइड जो ग्रीन वाली साइड है उस पर लिखने के लिए चौक बॉक्स है, इसमें 10 चौक्स आते हैं आई थिंक सो। तो एक तो ये लेके आई है, ठीक है? तो ये भाभी के गिफ्ट अभी तक चल रहे हैं। और एक ये लेके आई है मम्मी उसके लिए क्यूट सा हेयर बैंड, आप देख सकते हो
ये देखो ये एक क्यूट सा हेयर बैंड लेके आई है मम्मी उसके लिए. ओके और एक ये देखो उसने बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है उसको ये सारी चीजों का. और एक ही लेके आए हैं, ये थोड़ा अनवी से मैच करता हुआ है. अनवी के पास देख ऐसा सा है पर थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है उसमें, थोड़ा लाइट और डार्क का. ठीक है तो ये थे भाभी के गिफ्ट. और ऐसे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मैंने ना सब कुछ मतलब मम्मी लेके भी आई थी गिफ्ट रैपर वगैरह सब कुछ लेके आई हुई थी मम्मी, मैं अभी लेके बैठी तो फिर मतलब पर है ना उसको फिर हमें मतलब नहीं समझा कि हम गिफ्ट रैप करें तो कैसे क्यों करें. क्योंकि देखो गिफ्ट रैप करने का मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैं यूँ कह रही हूँ सभी को पता है कि मेरे को क्या गिफ्ट मिलेगा. उनके बीच लड़ाई हो रही है, नहीं तेरे को तो ये दे रहे, मेरे को तो ये दे रही है, मेरे को तो ये दे रहे, तो उनके बीच ऐसे लड़ाई हो रही है कि मेरे को ये दे, मेरे को ये मिला, मेरे को ये मिला. तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको गिफ्ट रैपर का. तो मैं लेके मम्मी ने सब कुछ लेके भी आ रखा है, गिफ्ट रैपर वगैरह सब कुछ लेके आ रखी थी मम्मी, लेकिन फिर हमने यही सोचा कि सभी को पता ही है कि गिफ्ट में क्या मिल रहा है उनको क्या नहीं, तो गिफ्ट रैपर का तो फिर यही मतलब हो जाता ना कि उनको नहीं पता हो तब तो हम उनको दें भी मतलब रैप वगैरह करके. अब उनको पता ही है कि क्या मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं बना, तुक्सा नहीं बना हमें, तो हम उसको गिफ्ट नहीं रैप कर रहे हैं. तो एक ये था. ठीक है और अब मैं दिखाती हूँ अगली एक चीज और बचेगी उसकी, क्या वो मेरा बैग कहाँ पे वॉच? हाँ उसकी वॉच वो आप ले आओ एक बार. तो एक और अब मैं दिखाती हूँ आपको दीशु का गिफ्ट. तो देखो गाइस ये है दीशु का गिफ्ट, ये देखो ये है ना स्टडी टेबल है, ये मतलब आप समझ सकते होगे कि ऐसे खुल जाएगी और इसको ऐसे ऐसे रख के दीशु इस पर काम कर लेगी. क्योंकि वो है ना बहुत ज़्यादा जैसे मतलब बैंड होना पड़ता था बिल्कुल, अगर बेड पे लिख के रख रहे हैं ना तो ऐसे ऐसे बैंड होना पड़ता था. तो मम्मी लेके आई है दीशु के लिए स्टडी टेबल जो कि उसके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, ऐसे नहीं है कि दीशु के नाम पे लाएं तो दीशु दीशु यूज़ करेगी, भूमि भाभी ये भी यूज़ कर सकते हैं. तो दीशु के लिए तो मम्मी ये लेके आई हुई है, वो बाद में दिखाती हूँ मैं आपको. तो देखो तो एक तो ये अभी दिखा देती हूँ फिर बाद में वो टेबल हटानी पड़ेगी. तो देखो एक तो ये है और एक ये है, एक ये वाली है. ये दो टेबल लाई हुई है मम्मी, ये दूसरी टेबल क्यों लाया भैया बताएगी मम्मी आपको, मम्मी बताएगी किस पर बैठ गए. हाँ तो ये लेके आई है मम्मी लवीना के लिए. हाँ क्योंकि उसका अभी बर्थडे आ रहा है, क्योंकि उसका बर्थडे आएगा 31 अगस्त को. तो और तब तक मम्मी क्या पता सुनी पता अब दोबारा चक्कर मार के आओ, तो मम्मी पहले ही उसका गिफ्ट ले आई. तो एक स्टडी टेबल है लवीना के लिए, तो बिल्कुल यूज़फुल चीज़ है. आप कमेंट करके बताना आपको यूज़फुल लगी या नहीं लगी. तो मम्मी तो अपने उससे बिल्कुल ये वाली सोच के लेके आई थी कि मतलब यूज़फुल चीज़ लेके आनी है ये, और यूज़ भी आए स्टडी के. और ये है भाभी की फरमाइश पे भाभी और दीशु के लिए वॉच लेके आई है. फिर जो भी चीज़ हमारे में ये है मतलब लेके आते हैं भाभी के लिए लेके आते हैं ना, फिर दीशु का यूँ लगता है कि चलो दीशु के लिए भी ले चलते हैं ना, वैसा होता है ना. और ये वही भाभी इसलिए नहीं लाए क्योंकि बच्चों को बच्चों जैसी है, पर इसमें भी टाइम भी दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है क्योंकि वैसी उनको समझ में नहीं आती और बच्चों का कोई मतलब नहीं बनता इतनी ज्यादा महंगी वॉच देने का. तो यही लेके आई है मम्मी, और उनको तो बस ऐसा शौक है मतलब कि हाँ मैं मेरे पास घड़ी है, टाइम भी दिखाई देना चाहिए ना, दिखाई देना चाहिए, 5-6 साल की तो है. तो ये वॉच लेके आई है मम्मी भाई के लिए भी और दीशु के लिए भी. तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, एक मिनट रुकिए आप, ये क्या कर रहे हैं. ठीक है तो अब नंबर है भूमि का, तो भूमि के लिए लेके आई हुई है मम्मी ये भूमि के लिए, नहीं दिख रहा है से दिख रहा है. तो एक ये लेके आई है टी शर्ट उनके लिए मम्मी, ये देखिए लेके आई हुई है बिल्कुल पर्पल कलर है. कलर एग्जैक्ट आ रहा है या अलग? एग्जैक्ट थोड़ा सा लाइट आ रहा है इसमें, लेकिन है थोड़ा सा एक्चुअली में डार्क, पर वैसे ठीक है. तो ये टी शर्ट लेके आई है मम्मी भूमि के लिए. तो उनको पता है सभी को, क्योंकि हमने ना एक बार पता क्या करे पहना आके देख लिया कि किस तरह की साइज वाइज की दिक्कत ना हो, क्योंकि मम्मी को एक बार दोबारा जाना था और हो भी गई थी साइज की दिक्कत. तो मम्मी मेरे लिए भी लेके आई थी, पता क्या हुआ मेरे लिए लेके आई भूमि के लिए लेके आई, तीन चारों के लिए लेके आई हमारे लिए मम्मी टी शर्ट वगैरह, लेकिन मैंने पहनी वो मेरे को ओवर साइज हो गई. मतलब वैसे तो ठीक थी लेकिन जो उसके शोल्डर थे ना यहाँ से वो यहाँ आ रहे थे तो वो गंदे लग रहे थे. तो फिर हम मेरे वाली चेंज करवा के लेके आई, और लवीना को अपने वाली कुछ मतलब थोड़ा ऐसी सी लगी नॉर्मल सी, तो उसको इतनी अच्छी सी नहीं लगी. तो फिर मम्मी और फिर उसके बहुत सारी टी शर्ट थी तो फिर मैं उसका लोवर ले आई मम्मी चेंज करवा के.
क्योंकि उसके पास जैसा आपने देखा होगा हमने पहले वाले शॉपिंग वाले ब्लॉग में आपको दिखा रखा था जब हम शॉपिंग करके लाए थे, तो लवीना के लिए टी शर्ट लेके आ चुके थे हम, तो उसके पास टी शर्ट तो बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मम्मी उसको एक्सचेंज करवा के उसके लिए लोअर ले आई। तो देखो गाइस ये तो है भूमि की, भूमि से बड़ी कौन है, अब लवीना है भूमि से बड़ी है ना, तो उसके लिए हमने ये लोअर ली है। ये आप बताना कलर वगैरह से कैसा लगे आपको, पता नहीं कैसा लगा होगा, लेकिन ये लोअर ले आई मम्मी उसके लिए। हाँ इसका तो क्या ही दिखाना, ठीक है। तो अभी और अब उससे बड़ी है वही निक्की, निकिता तो निकिता के लिए मम्मी ये वाली लेके आई, ये टी शर्ट लेके आई है निकिता के लिए। निकिता को बिल्कुल ठीक आई है, ये है वही 6 महीने के बच्चे के बताऊंगे दोनों ने लाग रहे एक बार में पीछे तो मेरी बेटी की वो करने। तो देखो गाइस ये लेके आए हैं हम निकिता के लिए, तू भी 6 महीने की है, तेरे भी ऐसे ही आई थी। मैं तो उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ लगती हूँ पतलेपन में, तो चुप रह बूढ़ी हो गई है। तो देखो निकिता के लिए तो हम ये लेके आए हैं, और मेरे लिए लेके आए थे, लेकिन क्या हुआ मेरे साइज का दिक्कत होगी, फिर मैंने कहा मेरे लिए टी शर्ट वगैरह मत लेके आओ, पैसे कैश आने दो कैश, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कुछ लेने का, तो मैंने कही मम्मी पापा से कि भाई देखो जहाँ से भी हो सके ना मेरे पास कैश आने दिया करो, क्योंकि हर जगह कैश ही ले रही है, बर्थडे पर कैश, वो भी सिलवा लिया सारी चीज, और गिफ्ट के नाम पर कैश भी ले लिया, तो क्या हो गया, वो तो आपका फर्ज है। तो मैं क्या कह रही थी, कुछ बता रही थी मैं, और वो अभी वाला रिंग लाइट जितने हम इसको रिंग लाइट गिफ्ट करते हैं और अभी भी सस्ती पड़ रही हूँ, रिंग लाइट गिफ्ट करते हैं, रिंग लाइट महंगी पड़ती है, अभी भी मतलब जो मतलब कैश देंगे ना उससे थोड़ा कम दे रहे, तो अभी भी आप फायदे में हो, फायदे में हो आप। हाँ इतनी सुधी बेटी मिली हुई है इन्हें, लेकिन कदर कहाँ है, है नहीं मम्मी कदर ही नहीं है, काम कर ले, काम काम पर फोकस कर। तो मैं तो ये कहती हूँ कैश दे दो, आप चुप रहो। तो अब सारी चीज हमने मैंने दिखाई दी आपको, अब सबसे मेन चीज जिसका आप सभी को इंतजार होगा या नहीं होगा वो मेरे को नहीं पता, सबसे मेन चीज अनविका गिफ्ट, हाथी नहीं है, हाथी भी है, हाथी भी दिखाइए, ओ हाँ हाथी तो जन जिसका हाथी ले गया, अनविका गिफ्ट हमने बड़े सोच विचारों के साथ सोचा विचारा सब कुछ करा, अनविका गिफ्ट के दिखाओ हमने मम्मी पापा के साथ डिस्कशन करा, और अंत में हम इस फैसले पे आए, इससे अच्छा गिफ्ट इसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। अभी वैसे हम अनवी के लिए ले आए क्या गिफ्ट थे, और फिर वो लेकिन अब हमारी ओर तो ना वो गिफ्ट लाओ दिखा भाई, तो देखो ये है अनवी का गिफ्ट, ये करने से काम का नहीं है लेकिन फ्यूचर में इसकी यूजफुलनेस होगी, वो एक दो महीने पाछे ही यूज मान लग जाए। ये है अनवी का हाथी, तो ये वाला हाथी है, लवीना मत समझ लेना, ये वाला हाथी बताऊं के मेरी बेटी ना कहो बार बार, ठीक है आप नहीं कह रहे, ये हाथी है, ये लेके आई है मम्मी, ये बड़ी मम्मी की तरफ कार्तिक की तरफ से, कार्तिक ने जिद कर ली बोला मेरी तरफ से, मेरी तरफ से कार्तिक, बड़ी मम्मी ने पैसे दिए इसकी, तो ये है कार्तिक की तरफ से अनवी का गिफ्ट, रक्षाबंधन का सबसे। अनवी तू बहुत चालाक है, गिफ्ट ले रही है पूरे अनवी कार्तिक से, सबसे छोटी है, अरे सबसे बेस्ट गिफ्ट ये है, ये लीजिए अनवी, आइए आप आगे आइए, गिफ्ट लीजिए अपना, स्वीकार कीजिए इसे, मैं कल लूंगा, आज नहीं ले ला, मैं तो कल लूंगा, ले नहीं मैं तो नहीं लूंगा। तो ये था हमारी तरफ से अनवी को गिफ्ट, तो गाइस दिखा दिए हमने सभी सारों के गिफ्ट जो जो मम्मी लेके आई थी सभी के लिए नितेश की तरफ से। अब आता है पेट पूजा की बारी, पेट पूजा लाओ दिखाओ, बस ये तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा तो खान पीन का तो होना ही चाहिए बच्चों के लिए, ये भाई देखो ये तो नहीं है, हाँ और भी लाऊंगे ये तो, लेकिन ये एक पहले लाके रख दिया, हाँ ठीक है मंगा लिया था, तो इसके पापा वो ले आऊं थे ना, तो थोड़े ये तो मैंने मंगवा लिए थे, तो चलिए गाइस हमने आपको दिखा दिए हैं सभी के लिए गिफ्ट, क्या क्या दे रहे हैं नितेश सभी को, बस मेरे को ही कुछ नहीं दे रहा है,
और बुआ इसकी आ नहीं रही आपकी बात को ऐसी कोई बात नहीं। तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को करना लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।